अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर रोज़ इस्लामिक वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर रोज़ आप नई इस्लामिक वीडियो। हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहा नाफा का हंजला, हंजला मुनाफिक हो गया। तो हज़रत अबू बकर हैरान हुए और कहा कि क्या माजरा हुआ? कहा कि हुजूर के पास होते हैं तो कैफियत और होती है, और जब वापस आ जाते हैं तो फिर वो कैफियत बरकरार नहीं रख पाते। यही तो निफाक है कि वहां कैफियत और है और यहां कैफियत और है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये हालत तो मेरी भी है, चलो हुजूर के पास चलते हैं। आका करीम की खिदमत में हाजिर हुए और जाके कहा कि हुजूर हालत ये है। तो आका करीम ने फरमाया कि वक्त वक्त की बात होती है, और अगर तुम्हारी वो कैफियत जो यहां है वो बाहर भी बरकरार रहे तो मदीने की गलियों में फरिश्ते तुमसे मुसाफे किया करें। तो सोहबत का एक रंग और सोहबत की अपनी एक बरकत होती है, इसलिए अच्छे लोगों की सोहबत, अच्छे उस्ताद की सोहबत, वालदेन की सोहबत, अच्छे दोस्तों की सोहबत और शेख की सोहबत, ये सोहबत रंग देती है। गर तू संगे खाराओ मर मर शबी, चू बसाहब दिल रसी गोहर शबी। मुल्ला रूमी फरमाते हैं अगर तू सख्त पत्थर है संगे खाराओ मरमर शवि, चू बसाहब दिल रसी, किसी साबे दिल की सोहबत में बैठ गोहर शवि, तू मोती बन जाएगा। सोहबत रंग चढ़ाएगी ना, सोहबत रंग चढ़ाएगी। शेख सादी फरमाते हैं मैं हमाम में गया तो वहां मट्टी थी और मैंने सूंघा तो उससे खुशबू आ रही थी, तो मैंने कहा तू मट्टी है और तेरे वजूद से खुशबू आ रही है? तो उस मट्टी ने जुबान हाल से जो जवाब दिया वो शेख सादी ने नज्म किया। उस मट्टी ने कहा कि मैं हूं तो मट्टी लेकिन चंद दिन तक फूल के कदमों में बैठी रही हूं। जमाले हम नशी दर मन असर कर वगर ना मन हुमा खाकम के हस्तम, मेरे हम नशी का जमाल मेरे अंदर सरायत कर गया है वरना हूं तो मैं जात की मट्टी। अल्लाह अकबर, लेकिन फूल की सोहबत का रंग चढ़ा है। दर्द मंदा दे सुखन मोहम्मद देन गवाही हालों, दर्द मंदा दे सुखन मोहम्मद देन गवाही हालों, जिस पल्ले फुल बदे होवन आवे बास रोमालों। ये सोहबत का रंग है जो असर पजीर होता है, इसलिए हमें अहलुल्ला की सोहबत में बैठ के, सालेहीन की सोहबत में बैठ के, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठ के सीखना चाहिए। तो औलादों को अपने वालदेन की सोहबत में बैठ के जो है वो सीखना चाहिए। दौरे मौजूद के अंदर सिखाने वाला कोई पाकीजा वजूद नहीं रह गया, हम सब कुछ सोशल मीडिया से सीखते हैं। सोशल मीडिया से आपको मालूमात तो नसीब होंगी लेकिन तरबियत नसीब नहीं होगी। आदमी आदमी बनाते हैं, तरबियत किसी शख्स की सोहबत के नूर से नसीब होती है। तो इसलिए हमें ये सिदके मकाल और अकले हलाल ये अच्छे लोगों की सोहबत से नसीब होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर रोज़ इस्लामिक वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर रोज़ आप नई इस्लामिक वीडियो हासिल कर सकें।